सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो नए दिन की शुरुआत हो गई है और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं अपने भाई लोग अजयपाल। तो अजयपाल क्या है बेसिकली नवल भाई? पिकनिक स्पॉट है वहाँ, जुबेर भाई जा चुके हैं एक बार। अच्छा, तो जुबेर भाई थोड़ा सा बताओगे आप? यार एक्चुअली मैं कल रात को ही गया था। अच्छा, मुझे अच्छा लगा इसलिए अब सोचा सुबह देखूं। अच्छा, रात को इतना कुछ दिखा नहीं था वहाँ पे। अच्छा, तो आप देख, अच्छा वहाँ पे नहर वगैरह है, अच्छा टेम्पल है। और हमारे साथ में है पवन जी। पवन जी थोड़ा सा बताओगे, आप पहले गए हुए हो या फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप खुद? मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा, आप खुद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं क्या? Yes. तो गाइस जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या चीजें हैं। वैसे तो मोस्टली विलेज ही है वहाँ पे, तो बट नेचुरल ब्यूटी है भाई, नेचुरल ब्यूटी है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और आपको लोगों को भी दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो ये गाइज आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये। तो ये मंदिर का नाम क्या है? ये अजयपाल मंदिर। तो पवन जी थोड़ा सा बताएंगे कि अजयपाल मंदिर जो है कौन से भगवान का मंदिर है? ये यहाँ बहुत बड़ा एक बाबा का मंदिर है। अच्छा, जिससे जो लोग बाग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। उनकी मनोकामना। गाइस मैं अभी जैसे कि यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया, अभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ गई। अगर मैं आप बात करूँ हरियाणा की HR 26 नंबर, मुंबई की, महाराष्ट्र की बहुत सारी गाड़ियाँ गई। तो कुछ एक्चुअल में यहाँ पे है, मतलब इस जो मंदिर है उसकी बहुत ही मान्यता है, इसलिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये गाइस अजमेर से अराउंड 8 से 9 किलोमीटर दूर मंदिर है। ये पहाड़ियों के नीचे बना हुआ है, ये यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत कम आते हैं। ये अजयपाल जो मंदिर है, अजयपाल बाबा जी का मंदिर, मतलब कौन से भगवान का मंदिर है? अजयपाल योगी थे, उनका कुत्ता ही मंदिर है। अच्छा, अजयपाल योगी जी उनका मंदिर है जिसके नाम से अजमेर बसा हुआ ना। पहले चक्रवर्ती राजा थे, उसके बाद संन्यास लेके यहाँ पे रहे थे। और आगे तो सर की जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो मंदिर है, मतलब बार बार से लोग आते हैं। मूर्ति नहीं है अभी कोई, मूर्ति नहीं है खाली, आकृति बनाई हुई है। अच्छा, आकृति बनाई हुई है। तो मतलब काफी इस मंदिर की मान्यता है। तो ये कितने साल पुराना मंदिर है? ये अजमेर बसने से पहले का ही। अच्छा, अजमेर बसने से पहले का मंदिर है। योगी महाराज के नाम से ही वो अजमेर बसा है। अच्छा, और ये पास में गांव है वो इनके अजय सर इनके नाम से बसा। अच्छा, तो यहाँ के इस एरिया के राजा थे क्षेत्र के। अच्छा, और अपने भगवान की तपस्या लीन हो गए, तपस्या करी थी, राजपाट छोड़ चक्रवर्ती राजा थे, उसके बाद में तपस्या। अजयपाल सिंह चौहान, अगर आप देखोगे डायरेक्टरी में उसे मिल जाएगा नाम उसमें। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जैसे जो भी मनोकामना मांग पूरी होती है, जब तो लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे बकरियां ऐसे घूमती है। हाँ हाँ, और लोग बाग जब जागरण होता है ना, ये इन पहाड़ों में ये सब जगह सो जाते हैं। कोई जानवर नहीं खाएगा कभी, आज तक नहीं खाएगा कभी किसी को। अच्छा, मतलब लोग बाग कहते हैं कि भाई जो जितने भी जहरीले जानवर है ना, सांप बिच्छू वगैरह, वो इनके छोड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आज तक
जैसे 18 साल मेरी उम्र होगी, हम भी आ रहे हैं बचपन से आ रहे हैं, क्यों हमारे का भाई पूजा है जी जी, तो हमारे पूर्वजों से पूजा चलती आ रही है, आज तक किसी जहरीले जानवर ने यहाँ नहीं काटा, आपको दिख जाएगा सांप है कंसले है वो घूमते तो नहीं काटेगा किसी को नहीं, किसी को नहीं काटा आज तक तो नहीं काटा। नीचे तालाब है, नीचे तालाब कुंड बना हुआ है, एक बावड़ी है गंगा बावड़ी, अजगंधेश्वर मंदिर है ये, तो जो वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी ना उस समय 4 शिवलिंग स्थापित किए थे। अच्छा, ये चारों और एक शिवलिंग यहाँ पे है, अजगंधेश्वर यहाँ पे पुष्कर के पास में ककड़ेश्वर एक बैजनाथ जी धाम है और एक दरगाह के वहाँ पे है। अच्छा, ये 4 शिवजी के मंदिर है। अच्छा, वहाँ एक शिवजी के मंदिर में पुराना शिलालेख लगा हुआ है और नीचे रूठी रानी का मंदिर है, फोटो लेना रूठी रानी का मंदिर, रूठी रानी इनकी पत्नी थी रूठी रानी के नाम से फेमस है वो नीचे है। तो आप हमारे साथ थोड़ा सा बताएंगे, हमारे जो आप कहाँ से? हम बीकानेर से आए हैं। बीकानेर से आप बीकानेर के रहने वाले हो क्या? जी जी जी। तो इनका इतिहास जो रिकॉर्ड है ना वो बीकानेर के वो कौन सा है वो संग्रहालय वो अपने जहाँ जहाँ पुराना रिकॉर्ड रहता है जी, जो जिला कलेक्टर है? नहीं नहीं, वो कहीं बोले भी नहीं, संग्रहालय है, देवस्थान, देवस्थान का वो है जहाँ पे इनके सारे पुराने रिकॉर्ड, पुरातन विभाग के, पुरातन विभाग वो बीकानेर में ही है, जिला कलेक्टर ही है एक, तो हमें पता करना था कि आपके जो पुराने जो रिकॉर्ड होते हैं ना इनके वो कहाँ मिलेंगे। अच्छा, उसमें आ जाएगा इनका पूरा रिकॉर्ड आएगा। बीकानेर से आए हो क्या? जी जी जी। ओ, नौ खास गुवाओं का मंदिर है ना एक उधर? हाँ, वाह, देश नौ करनी माता मंदिर, देखा जी जी। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहता था, जैसे यहाँ पे जिसकी मनोकामना पूरी होती है तो उसको वापस यहाँ पे आना पड़ता है? आ जाओ, मन्नत मांग के गए वो पूरी होती है, आप पसंद नहीं करते? बंदर बंदर है ढेर सारे, 10-20-50 किलो केले ले आओ, खिला जाओ। अच्छा, ये तो क्या जब चमत्कारी मूर्ति है, तो तालवाड़ी चोर में रसोई मंदिर थी, जो बोलते हैं ना प्रसाद ही बोलते हैं, सोमवारी वगैरह बोलते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ हलवा यहाँ मिल जाता है इनको, बोल दो सब व्यवस्था हो जाती है। ये धर्मशाला है, सब तरह के सामान मिलेंगे, सब तरह की होगी, मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पूजा करते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। तो गाइज ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बना हुआ है, अजयपाल मंदिर के पास का नज़ारा है ये, जी यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं। श्री अजगंधेश्वर महादेव, गाइस ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा आप दिखाएंगे इधर इधर इधर, यहाँ पे जो हवा चल रही है मुझे आप देख सकते हैं नज़ारे यहाँ के। मेरे साथ में मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो आए हैं अजयपाल मंदिर, मेरे फ्रेंड ने एक्चुअल में यहाँ का रिकमेंड किया था, वो एक्चुअल में इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मंदिर की खासियत ही ये है कि यहाँ पे जो भी आता है, जो अपने सच्चे दिल से यहाँ पे कोई उसकी इच्छा होती है तो वहाँ यहाँ पे पूरी होती है, और उसके बाद में जो लोग हैं वो वापस यहाँ पे आते हैं, फेरी डाल के जाते हैं यहाँ पे। और यही इस मंदिर की खासियत है कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे बना हुआ ये मंदिर, अजमेर से अराउंड 9-10 किलोमीटर दूर है। जुबेर भाई मुझे ना आपसे एक चीज पूछनी थी कि आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे एक मंदिर भी है अजयपाल मंदिर? आज जा रहा था मैं, एक्चुअली जो कल ड्राइवर थे उन्होंने मुझे बताया काफी फेमस जगह है। अच्छा, तो फिर उसकी वजह से मुझे रात को काफी अच्छा लगा, काफी पीस लविंग ये मुझे प्लेस लगी थी। अच्छा, एंड तो मेरा काफी दिल था कि मैं एक बार सुबह भी इसको देखूं, सो दैट जो रियलिटी है इस नेचर की उसके भी रूबरू हम आए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्चुअल में ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे आके आपको एकदम फ्रेशनेस फील हो रहा है।
करेक्ट ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ की आपको ये नहीं है कि कोई मतलब किसी चीज़ का आपको बर्डन लगे यहाँ पे। जी लोग अपने यहाँ पे ईजिली घूम रहे हैं, ठीक है, और ये बेसिकली पहाड़ों के एकदम नीचे है ये, और मोस्टली से सबसे बड़ी बात है अजमेर से अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर है क्या? तो ये बहुत पुराना बना हुआ है यहाँ पे, ये पहाड़ वगैरह भी काफी हैं। भाई साहब बुकेरू दरगाह बसी ने दरगाह राजा अकबर बादशाह की टाइम के अंदर मतलब उस टाइम में बसा हुआ है, राजा अजयपाल जो भी थराते थे, दरगाह भी जो मोहम्मद साहब है वो भी थराते थे अकबर बादशाह उनका आगे उन टाइम का है ये। अच्छा अच्छा और ये कौन सा गांव पड़ता है सर? अजय सर पहले अजय सर आएगा फिर बाद में अजमेर आएगा। अच्छा अजयपाल आएगा। अच्छा अच्छा और उसके बाद में अजमेर आएगा। और ये अभी जो है अपने ये मतलब ये मतलब ये अजय राजा अजयपाल तो राजा अजयपाल राजा अजयपाल जंगल का पानी। अच्छा सर तो ये सत्तुराम जी मार्ग को ये झरने के यहाँ पे लेके आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नजारा यहाँ का। हाँ फोटो खींचो ना आराम से। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आपने देखी होगी जैसे, तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई नई वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।